नमस्कार, आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दैट इज़ ए कस्टमाइजेशन। क्या होता है कस्टमाइजेशन, क्यों करते हैं और किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसका ट्यूनिंग में कोई असर होता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जो बड़ी फ्लूट होती है, स्पेशली ई के ऊपर ई बेस, उसके बाद डी डी शार्प, सी सी शार्प, और पर्टिकुलरली सी शार्प के बाद उसके बाद शंख बांसुरी, इसमें तो करना ही होता है। अब ये किसी को ई बेस में नहीं चाहिए होता है, किसी को चाहिए होता है, क्योंकि जिनका हाइट कम है तो उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए होता है। तो किस फ्लूट पे पर्टिकुलरली कस्टमाइजेशन करना चाहिए, किस प्रकार से होता है, इसमें क्या डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे मेन बात यह है कि जो फ्लूट हम कस्टमाइज करते हैं, अरे आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स कस्टमाइज ना करें तो बेस्ट है। मैंने इससे पहले जो वीडियो दिया था उसमें भी मैंने ये सारी जानकारी डिटेल में दी थी, क्योंकि क्या होता है कि बिगिनर्स के लिए रियाज कर करके हमें उस उंगलियों में एक पर्टिकुलर ये जो स्पेस है ओपन होने में समय लगता है। जब रियाज करेंगे, जितना हम रियाज करेंगे उतना ये ओपन होता है और आप ई बेस, डी शार्प या डी बेस ये आराम से प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी कस्टमाइजेशन। उसके ऊपर के फ्लूट के लिए मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा, नो डाउट। जब हम फ्लूट को कस्टमाइज करते हैं तो दो तीन चीज़ें हम उसमें करते हैं। या आपने देखा होगा कि कस्टमाइजेशन कोई लोग सिंपल सा सादा अर्थ लेते हैं कि हाँ कुछ नहीं, उसमें जो लास्ट वाला फिफ्थ होल होल या सिक्स होल है, ऊपर से थर्ड वाला होल है, उसे थोड़ा इस प्रकार से टिल्ट कर दिया, मतलब ये इसे इस लाइन में लेके आए, इसे ये इस लाइन में लेके आए, ये ऐसा थोड़ा, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंपल सा कोई एक फ्लूट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्लूट है, ये काफ़ी पुराना फ्लूट है, तो अगर मैं इन बिटवीन का स्पेस कम रखूँ और इसे टिल भी कर दूँ, अब ये छोटी फ्लूट है तो आराम से आ जाएगा। लेकिन ये अगर मैं डिस्टेंस कम ये इस प्रकार से रख दिया और इसे मैं इसे कस्टमाइज कर रहा हूँ तो इसका इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, मैं इसलिए अभी ये पॉइंट सबसे पहले ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दो जगह जनों के पास ये देखा है, उनके पास सी सी शार्प है, उसमें हालांकि ये होल लास्ट इस साइड में उन्होंने किया है, फिर भी वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अब देखिए, हम इस हाथ को थोड़ा नेचर को समझ लेते हैं। अगर मैं इसी फ्लूट को, यानी कि इस उंगली को थोड़ा हल्का सा इसमें से स्पेस बढ़ा देता हूँ, तो आप देखना ये इस प्रकार से आ जाता है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से रखेंगे तो भी चल जाता है। अब ये यहाँ पे मीन, अगर आप छोटा है तो भी ले सकते हैं, थोड़ा बढ़ भी गया तो भी फिर ले सकते हैं, रिया से ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं। अब टिप से जब प्ले करते हैं तो अल्टीमेटली ये टिप से इसमें स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके टिप्स में और भी कंफर्टेबल प्ले करते हैं। तो अब मेन बात यह है कि हम कस्टमाइज में क्या क्या करते हैं, और मैं जब देता हूँ तो मेरी फ्लूट वो इजी क्यों होती है प्ले करने में, वो सबसे पहले, क्योंकि कस्टमाइज हर कोई करता है लेकिन मेरा करने का तरीका अलग है। मैं इस प्रकार से करके देखता हूँ कि आपको वो प्ले करने में रियल में आसान हो, और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जिनको भी इससे पहले दिया है, जिनका रिप्लाई आया है, मैं इस वीडियो के लास्ट में उनका रिप्लाई मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, उसमें ज्वाइन कर देता हूँ, ताकि आप भी देखें कि जो फ्लूट उनके पास ऑलरेडी है, जैसे सी सी शार्प बेस में, लेकिन वो प्ले नहीं कर पा रहे थे, हालांकि उसमें कस्टमाइजेशन किया था उन्होंने, लेकिन जब मैं उनको ये फ्लूट दी तो कैन ईजिली प्ले, और एक दो का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इमीजिएटली जैसे फ्लूट हाथ में है उन्होंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो दे दिए हैं कि जो उनको बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ये वो आराम से प्ले फ्लूट प्ले कर पा रहे आज। तो ये सारी चीज़ें जब फ्लूट हम ट्यून करते हैं, तो इसमें और एक बात समझने वाली है, जब फ्लूट को ट्यून यानी कि कस्टमाइज़ किया जाता है तो उस केस में एक लेवल तक ही मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। आप कहेंगे कि मुझे जितना हो सके इतना इजी और इतना हो सके उतना कम डिस्टेंस लेके आइए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों ऑक्टिव बैलेंस करने होती है, लोअर ऑक्टिव हायर ऑक्टिव। जितना कितना भी कस्टमाइज करने से लोअर ऑक्टिव पे ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन हायर ऑक्टिव पे असर होता है। उसके बाद
एक आध बार ऐसा हो जाता है कि हायर ऑक्टिव परफेक्टली बोलता है, लोअर ऑक्टिव बिल्कुल ही नहीं, लोअर ऑक्टिव चढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद होल साइज में एक आती है कस्टमाइजेशन में, होल साइज कम से कम एक यानी कि लेवल तक ही कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर लेवल, तो एक रेंज होती है, उसी में हम अगर करेंगे तो जाके फ्लूट परफेक्टली ट्यून मिलती है। मतलब जब कस्टमाइजेशन होता है तो उसके लिए भी हमें एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के यानी कि रेंज में रह के हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जब हम इसे मैं कस्टमाइज़ करता हूँ तो लास्ट के तीन होल में अगर मैं इसे इस प्रकार से अगर डिस्टेंस इसे रखता हो और ये इसे टील भी करता हो तो ये यहाँ तक जाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ये शंख फ्लूट है, ए शंख प्लासरी। ए शंख फ्लूट में तो हमने क्या किया कि इसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब इस वजह से ये होल हल्का सा बड़ा होता है और उसे करना ही चाहिए क्योंकि हमें कोमल निषाद यहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद ये ज़्यादा भी ना हो ताकि इसका होल ज़्यादा बड़ा होने से फिर वो क्लोजिंग में दिक्कत आ जाती है, वैसा ना हो, ठीक है। तो जब मेरे फ्लूट में मैं ये डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो ये लास्ट में स्पेसिंग बढ़ती है, तब जाके ये फ्लूट परफेक्टली आ जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो मेन जो सुरों का प्लेसमेंट है नियर अबाउट वही मिल रहता है, उसमें कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं, लेकिन हम इसे थोड़ा बहुत और एक अलग चीज़ें करके इसमें से ये परफेक्ट ट्यूनिंग करते हैं, और ट्यूनिंग करते समय दोनों ऑक्टिव में प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। इसमें और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ लोग इस प्रकार से पंचम प्ले करते हैं, हालांकि ऐसा भी करना चाहिए और ये सब दोनों भी बेस्ट है, दोनों भी वे हैं, लेकिन ये मेरे तरह से देखा जाए तो ये इस प्रकार से हल्का सा पंचम को परफेक्ट लगने के लिए हमें हल्का सा इस प्रकार से करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऊपर जब पंचम प्ले करते हैं तो उस केस में लगता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों केस में इस प्रकार से और इस प्रकार से पंचम सेम लगना चाहिए, तब जाके वो पंचम परफेक्टली लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव में ट्यून है। तो ये सारी चीज़ें इस जो तीव्र मध्यम का होल होता है उस पे डिपेंड होती है और उस पे वो ट्यून करना होता है, उसका लेंथ और ऑल दैट थिंग्स। ये ट्यूनिंग के बारे में किस प्रकार से होता है मैं और भी एक वीडियो में पूरा डिटेल में दे दूँगा। तो ये सारी कस्टमाइजेशन यानी कि ये इस प्रकार से हम करते हैं और दोनों ऑक्टिव को, ये तीनों ऑक्टिव को हम प्रॉपरली बैलेंस करते हैं। जब कस्टमाइज़ की जाती हैं, अगर हम एक लेवल के आगे जाते हैं तो तीव्र मध्यम, उसके बाद तार सप्तक का पंचम वो चढ़ा यानी कि वो आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये होल साइज को हम ऊपर कितना लेके जाए उसका भी एक लिमिट होता है। अगर उस पर्टिकुलर लेवल के आगे चले जाते हैं तो तीव्र मध्यम इस प्रकार से मिलने से ये इस प्रकार से थोड़ा चढ़ा लगता है, और ये दोनों उंगलियों बंद करके अगर हम ये पंचम प्ले करेंगे तो ये परफेक्ट लग जाता है उस केस में, कभी कभी ये भी चढ़ जाता है। तो ऐसा होता है, मतलब बस होल को अलाइनमेंट कर दिया और ये हो गया कस्टमाइजेशन, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब बैलेंस होती है तब जाके वो प्रॉपरली कस्टमाइज फ्लूट और परफेक्टली ट्यून होती है, नहीं तो हम बस इजी मैंने कि प्लेइंग के पॉइंट ऑफ से कस्टमाइज कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे ये गड़बड़ होना ही होना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे ये शंख बासुरी हुई और भी शंख बासुरी, अब जैसे ये सी शार्प है तो सी शार्प में हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि या डी डी शार्प तक आप ना ज़्यादा ना करें तो अच्छा है। रही बात माउथ होल को, हल्का सा हम अंदर लेते हैं, इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट रखने वजह से पेन होना स्टार्ट होता है पर्टिकुलर 10 मिनट 15 मिनट के बाद, वो ना हो इसके लिए हम हल्का सा माउथ होल को अंदर लेते हैं, और वो लिया तो उससे ट्यूनिंग पे कोई असर नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ फ्लूट ऐसे कि वेस्टर्न फ्लूट इस प्रकार से टर्न की होती है, मतलब ये आप इस होल को कितना भी 360 में कहीं पर भी रखेंगे तो उसका इतना इफेक्ट यानी कि ना के बराबर इफेक्ट उसका आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये थोड़ा हल्का सा इस राइट में करते हैं तो इसका बेनिफिट कोमल दैवत को डेफिनेटली आ जाता है, क्योंकि ये ओपनिंग अच्छा इस प्रकार यानी कि बहुत बढ़िया से ओपनिंग मिलती है हमें इस प्रकार से, और ये टिप्स की वजह से यहाँ पे सेंस भी ज़्यादा मिलता है इस प्रकार से। तो ये सारी जानकारी थी कस्टमाइजेशन के बारे में, क्योंकि मैंने एक दो जनों का जो ऑर्डर्स आए थे तो उनके पास ऑलरेडी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अगर आप ले रहे हैं तो ये सारी जानकारी आप वो देख लीजिए, अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक जब बासुरी ट्यून है तभी जाके वो परफेक्ट है और तब जाके वो बासुरी प्ले करने में मज़ा है, बस वो ईजी है उससे कुछ मतलब नहीं है। तो
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।